हेलो बच्चे पार्टी, कैसे है सब लोग? आई होप यू ऑल विल फाइन। सो आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर तुम लोगों का स्वागत है। सो थंबनेल लिख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जीडीएस एंगेजमेंट के बारे में, जो कि पहले एक वीडियो में आपके लिए लाया था, जो कि था जीडीएस एंगेजमेंट का, जो कि हमारा बीपीएन एबीपीएम का हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट आ गया था। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं हमारा जो बीपीएम एंड एबीपीएम के लिए आपका सिलेक्शन लिस्ट आया हुआ है उस पर आपका नाम है या नहीं। हमारा जो लिस्ट वन आया हुआ है उस पर आपका नाम है या नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं हमारा क्रोम ब्राउजर पे, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पे आपके आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिखा तो फिर आप उस वीडियो देख के वो बारे में पता चल सकता है आपको। ओके, सो आप देख लीजिएगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आप चेक कर लिया कि आपका नाम आया हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए यहां पर आपको आप चेक करेंगे इस वेबसाइट पर आकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ पे तुम्हें चेक करना होगा कि मेरा नाम है या नहीं। अगर आपका नाम है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। जिस जिसका नाम नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिलेक्शन मतलब सेकेंड सिलेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो फिर सेकेंड सिलेक्शन कब आएगा? तो अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन रिसेंटली आया हुआ है तो फिर कुछ दिनों के बाद आपका सेकेंड सिलेक्शन भी आ जाएगा। सो ऑरिड होने की कोई जरूरत नहीं, जब भी आपका सेकेंड सिलेक्शन आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो सेकेंड सिलेक्शन आने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो फर्स्ट सिलेक्शन आने के बाद जिस जिसका नाम फर्स्ट सिलेक्शन पे हो है उन लोगों को जो जो करना पड़ेगा, सेकेंड सिलेक्शन आने के बाद भी आप लोगों को वही करना है। सो फिर जिस जिस लोगों का आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है सबको कंप्लीटली वीडियो दिखना चाहिए, फॉर विच आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका नाम अभी आया हुआ है या फिर बाद में भी आएगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अर्थात वेरीफाई कैसे करना पड़ेगा। ऑफलाइन वेरीफाई करेंगे क्योंकि हमारा सिलेक्शन पे नाम आने के बाद हमको ऑफलाइन वेरीफाई करना पड़ता है कोई एक डिवीजन पे जाके। सो फिर कौन सा डिवीजन में हम जाएंगे उसका ऑल डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, हमारा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। सो पीडीएफ डाउनलोड का आपका मैं प्रोसेस बताया था, आप लोग उस वीडियो देखकर जान सकते हैं। तो फिर एक पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आपको ही दिखा देता हूं यहां पर। ओके, सो आपके पास एक पीडीएफ आ गया जो कि उड़ीसा का, अगर आप कोई और स्टेट का बिलोंग करते हैं तो आप और स्टेट का लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2023 उड़ीसा सर्किल लिस्ट 1, यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका पीडीएफ आपके पास होगा, देन आपका नाम यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, कैसे चेक करेंगे, सर्च बटन पर जाके आपको आपका नाम सर्च करना होगा, अभिषेक। ओके, अभिषेक चेक कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अभिषेक दलाई नाम एक है। सो ऐसे आप आपका नाम भी चेक कर सकते हैं। ओके, चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं इस लिस्ट में। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो फिर आपको ऑल डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका कौन सा वीओ में सिलेक्ट हुआ होगा। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा डिवीजन का एफ है, देन इस डिवीजन का कौन सा ऑफिस में आपका पोस्टिंग होगा। ओके, देखिए यहाँ पर आस्का डिवीजन में अम्बापुरा वीओ में आपका पोस्टिंग होगा, एंड ये जो नंबर वन में है, देन पोस्ट नेम क्या है, एबीपीएम। सो जिसका बीपीएम होगा बीपीएम, जिसका एबीपीएम होगा एबीपीएम। ओके, देन तुम्हारा कैटेगरी दिया हुआ है, देन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम्हारा नेम अगर आ रहा है यहाँ पर, कैंडिडेट नेम आ रहा है तो फिर तुम रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि अगर नेम बहुत लोगों का हो सकता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर सिंगल यूनिक होता है, सो नेम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिएगा और आपका परसेंटेज। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड विथ व्हाट, तो कौन सा डिवीजन पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है आस्का डिवीजन उड़ीसा। सो इनका देखो एक स्टूडेंट का जो हमारा सरोजनी माझी, ओके, इनका आस्का डिवीजन में ये अप्लाई किए थे और उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी आस्का डिवीजन में ही हुआ है। लेकिन कुछ कुछ प्लेस में ऐसा होता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एक और प्लेस पे, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आपका एक स्टूडेंट अप्लाई किया है ढेंकानाल डिवीजन में,
ओके, ढेंकानाल डिवीजन में उसका घर है और वो ढेंकानाल डिवीजन में अप्लाई किया था। ओके, लेकिन वो रह रहा था कहाँ पर? वो रह रहा था भुवनेश्वर पे। ओके, वो रह रहा था भुवनेश्वर पे, उसका पढ़ाई कर रहा था या फिर वगैरह वगैरह जो कुछ कर रहा था भुवनेश्वर पे रह रहा था, और भुवनेश्वर पे रह के अप्लाई किया है ढेंकानाल पर। और वो जो अप्लाई कर रहा था तो उसका एड्रेस भुवनेश्वर है, क्योंकि जब वो भुवनेश्वर पे रह रहा था उस टाइम अप्लाई किया था। तो उस टाइम क्या होगा ना, आपका ये जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उस प्लेस में होगा, भुवनेश्वर में। ओके, ये फास्ट वेरिफिकेशन। ओके, आप लोगों का दो वेरिफिकेशन होता है, एक फास्ट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, जिस प्लेस से आप अप्लाई किए थे उस प्लेस से आपका एक वेरीफाई होगा। ये आस्का डिवीज़न, इसका आस्का डिवीज़न में अप्लाई भी किए थे और आस्का डिवीज़न से रहकर वो अप्लाई किए थे, इसलिए उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी आस्का डिवीज़न में हुआ है। अगर कोई ढेंकानाल पे अप्लाई करके भुवनेश्वर पे रह के ढेंकानाल पे अप्लाई किया था तो उसका फर्स्ट वेरीफिकेशन भुवनेश्वर पे होगा और सेकंड वेरीफिकेशन ढेंकानाल पे होगा। समझ में आ गया? सो फर्स्ट वेरीफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देन सेकेंड वेरीफिकेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट वेरीफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस डिवीज़न में आपका नाम आया हुआ होगा। ओके, आप जहाँ पर रह के अप्लाई किए होंगे उस प्लेस पर आपका, अगर लेट एन एग्जाम्पल कि मैंने कालाहांडी पर रह के अप्लाई किया तो फिर क्या होगा, मेरा कालाहांडी पर आएगा क्या, डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड विथ रे यहाँ पर आ जाएगा। इट मे बी मैं और कोई डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पर आप अप्लाई किए थे, जहाँ पर रह के आप अप्लाई किए थे उसका, उस डिवीज़न का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिवीज़न हेड ऑफिस को आपको जाना पड़ेगा पोस्टल का। ओके, वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका HSC सर्टिफिकेट। ओके, जो कि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, समझ में आ गया। और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कास्ट में आप अप्लाई किए थे उस कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका आधार कार्ड, ओके, मैट्रिक सर्टिफिकेट, देन कास्ट सर्टिफिकेट, देन आधार कार्ड, देन आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए जो कि नॉर्मल होता है, देन आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा। देन उसके साथ और एक बात कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि कुछ कुछ प्लेस में नीड करते हैं और कुछ कुछ प्लेस में नीड नहीं होता है, जैसे कि ABPM की केस में, अगर आप BPM के लिए अप्लाई किए थे और BPM के लिए आपका आया हुआ है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ओके, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूर नीड करते हैं, लेकिन अगर आप ABPM के लिए सिलेक्ट हुए हो तो कुछ कुछ पोस्ट में नीड करते हैं और कुछ कुछ पोस्ट में नीड नहीं करते हैं, इसलिए अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, नहीं तो आप एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ओके, सो मैं आपको जैसे दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसे DCA सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं या फिर कंप्यूटर लर्निंग का सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके पास PGDCA का सर्टिफिकेट है वो भी आप दिखा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वेरीफिकेशन के टाइम आपको ये सब दिखाकर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्टेड नाम का एक आपको दिया जाएगा रिसिप्ट। ओके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक एक्सेप्टेड का एक दे दिया जाएगा आपको रिसिप्ट, और वहाँ पर आपको उनका सिग्नेचर होगा, देन टाइम होगा, डेट होगा, देन प्लेस होगा, उसको लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वेरीफिकेशन जब आपको होगा, सेकेंड वेरीफिकेशन टाइम आपको वो पेपर लेकर जाना पड़ेगा। ओके, सो देखिए, जब सेकेंड वेरीफिकेशन होगा वो आप जिस पोस्ट में पोस्टिंग होंगे, यहाँ पर देखिए अम्बापुर पोस्ट, वो ऑफिस कहाँ पर, अम्बापुर VO, देन उसका डिवीज़न आस्का डिवीज़न, उस डिवीज़न पर आप जहाँ पे आप पोस्टिंग होंगे उस डिवीज़न पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वेरीफिकेशन करना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपको ये सब ऑल डिटेल्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ऑल डिटेल्स जेरोक्स देना पड़ेगा, ऑल डिटेल्स सर्टिफिकेट का आपका ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, वो सब देने का उन लोगों ने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देंगे और डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा। तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे, देन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे फिलअप किया जाएगा, कहाँ कहाँ से सिग्नेचर लाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कैडेट ऑफिसर से सिग्नेचर लिया जाएगा, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाला जाएगा, देन मेडिकल सर्टिफिकेट निकाला जाएगा, देन आपका पुलिस टेस्ट वेरिफिकेशन, हमारा ऑल डिटेल्स सर्टिफिकेट तुम्हारा निकाला जाएगा, देन उसके बाद सबका सिग्नेचर चाहिए होगा, देन सिग्नेचर के बाद आप क्या करना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन फॉर्म के साथ सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। ओके, सो इस सब बारे में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड वेरीफिकेशन के टाइम आपको आपके साथ क्या क्या होगा। ये तो था फर्स्ट वेरीफिकेशन में ये सब कंप्लीट करके आपको सेकेंड वेरीफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। सेकेंड वेरीफिकेशन के लिए आपको फिर ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, कैसे फिल करेंगे, ऑल
ऑल रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉर विच आपको ऐसे ही ऑल वीडियो मिलते रहेगा। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।